स्टूडेंट्स पीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है आपका। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट ऑप्टिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स की है और बहुत ही इजी यूनिट है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन, हम नंबर बहुत ज़्यादा इस यूनिट से कमा सकते हैं और इम्पोर्टेंट है फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो शुरू करते हैं प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिक्स क्या होती है। तो ऑप्टिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति व प्रकाश के संचरण का अध्ययन करते हैं। प्रकाश की प्रकृति व प्रकाश के संचरण का अध्ययन हम करते हैं, यानी प्रकाश किस तरीके का व्यवहार करता है, क्या उसका नेचर है और किस तरीके से वो चलता है, किस तरीके से वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इसका अध्ययन हम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रकाशिकी। अब इस प्रकाशिकी के जो हैं वो दो भाग हैं। कौन कौन से दो भाग हैं, एक तो है किरण प्रकाश की और एक है तरंग प्रकाश की। एक है किरण प्रकाश की और एक है तरंग प्रकाश की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी किरण प्रकाश की क्या होती है, जो कि हमें आना भी चाहिए। तो किरण प्रकाश की क्या है, प्रकाश की वह शाखा जिसमें प्रकाश का किरणों के रूप में अध्ययन किया जाता है, यानी प्रकाश को ऐसे माना जाता है कि भाई किरणों के रूप में चलता है। किरणों के मतलब जैसे ये किरण आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि हम आगे भी देखने वाले, ये किरणों के रूप में अध्ययन करता है और फिर उसी में हम अपवर्तन परावर्तन आदि जो भी घटनाएं हैं वो हम अध्ययन करते हैं, और ये हमारा जो चैप्टर 9th है वो है। फिर है तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश का तरंगों के रूप में अध्ययन किया जाता है, यानी प्रकाश को ऐसे माना जाता है कि वो तरंगों के रूप में चलता है, जो कि हम 10th चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम ध्रुवण पढ़ेंगे, व्यतिकरण पढ़ेंगे और विवर्तन जैसी कई इंपॉर्टेंट घटनाएं हम प्रकाशिकी की पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मार्क्स वाली यूनिट है, इसलिए ढंग से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किरण प्रकाशिकी क्या है, किस तरीके से ये समझी जा सकती है। तो देखिए, जैसे ही सूरज आता है तो सूरज से प्रकाश निकलता है। जो प्रकाश निकलता है, जो लाइट जो आती है, उसमें केवल जो हमें दिखाई देता है वही भाग नहीं आता, जिससे हम देख पाते हैं वही भाग नहीं आता। यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती है सूरज से, जो कि हम नग्न आँखों से हमें नहीं दिखती। एक्स रेज भी आती है, इंफ्रारेड भी आती है, विजिबल रेज भी आती है। विजिबल रेज यानी जो भाग हम सूरज का देख सकते हैं, जिस भाग के कारण हमें दिखाई देता है वो है विजिबल रेज। ये सब हम एक अलग से चैप्टर है उसमें भी पढ़ेंगे, जिसमें है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बताया गया है, तो उस स्पेक्ट्रम में ये अलग अलग रेज हैं, यूवी रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, विजिबल रेज। ये इंफ्रारेड आप लोग जो है वो यूज करते होंगे, जब भी टीवी का रिमोट का बटन आप दबाते हैं तो इंफ्रारेड उस रिमोट से निकलती है और टीवी तक पहुंचती है। एक्सरे जब आप एक्सरे कराने जाते हैं तब आप देखते होंगे एक रूम के अंदर वो टेक्नीशियन जाता है और बटन दबाता है और हमारा एक्सरे हो जाता है, तो उसमें भी रेज निकलती है, लेकिन वो हम नग्न भागों से नहीं देख सकते हैं। यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ऐसे बताते हैं कि सूरज से किरणें आती हैं जिसके कारण हमारा जो शरीर है वो काला पड़ जाता है, तो ये ऊपर वाले भाग तो ये तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो ये विजिबल रेज है यानी दृश्य भाग है, वो उसी के कारण हम देख सकते हैं या वो हमें दिखाई देता है, और यही प्रकाश, इसी को हम प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश की अगर परिभाषा की हम बात करें, तो देखिए सूरज से जब प्रकाश नहीं आएगा तो हमें अंधकार दिखाई देता है। हमें क्या दिखाई देता है, अंधकार, केवल और केवल हमें अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही सूरज से प्रकाश आता है तब हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो हम प्रकाश को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, ऊर्जा का वह रूप जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत कर देता है, यानी दृष्टि संवेदना यानी देखने की क्षमता को बढ़ा देता है। जब सूरज का प्रकाश आता है तब हमें दिखाई देता है, सूरज का प्रकाश नहीं आता है तो दिखाई नहीं देता। यहाँ पर केवल दृश्य भाग हम देख सकते हैं, तो दृश्य भाग की अभी बातें हो रही हैं। अगर रात की अगर बात करें तो सूरज का प्रकाश नहीं आता है, या जैसे ही हमारे जो घरों में लाइट आ रही है, विद्युत धारा जो आ रही है वो चली जाती है, कट जाती है, लाइट कट जाती है, तब भी अंधेरा हो जाता है और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है, चाहे वो सूरज से हो, चाहे वो बल्ब से हो, चाहे वो ट्यूबलाइट से हो, LED से हो, हमें दिखाई देता है। तो प्रकाश क्या करते हैं, हमारे देखने की क्षमता को बढ़ा देता है। प्रकाश के गुण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा का मतलब ऐसे एकदम सीधी रेखा में,
अब ये भी सीधी रेखा है और ये भी सीधी रेखा, तो प्रकाश दोनों तरीके से गमन करता है, दोनों क्या है सीधी रेखा है, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है, किरण प्रकाश की हम पढ़ रहे हैं, किरण प्रकाश की में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, और प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे सेम जो हमारे मोबाइल के अंदर वेव आती है वैसे की वैसे सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए सूरज और पृथ्वी के बीच में माध्यम है, माध्यम नहीं है निर्वात है, सॉरी सूरज और पृथ्वी के बीच में क्या है निर्वात है, कोई भी माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी सूरज से प्रकाश चलकर पृथ्वी तक आ रहा है, इसका मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश दो तरीके के व्यवहार बताता है, कणीय और तरंगे, जो कि हम बता चुके हैं, कणीय में कण के रूप में माना जाएगा ये, और कण के रूप में मतलब इस तरीके से दिखाया जाएगा, रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, तरंगीय में उसको तरंग के रूप में बताया जाएगा, दोनों हम पढ़ेंगे, दोनों हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट हैं दोनों के दोनों ही। और निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है, हवा के अंदर थोड़े बहुत कण वगैरह मिल जाते हैं, तो 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का वेग। अब बात करते हैं, ये बातें थी किरण प्रकाश की और यही हमारा 9th चैप्टर है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं तरंग प्रकाश की का छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो देखिए प्रकृति के प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत की हम बात करें तो 1637 में एक साइंटिस्ट हुए थे दकार्ते, ऐसे बोल सकते हैं कि ये दार्शनिक हुए थे, इन्होंने प्रकाश की प्रकृति के बारे में कणिका सिद्धांत दिया था, कॉर्प्यूक्सलर, इंग्लिश में कॉर्प्यूक्सलर बोलेंगे, हिंदी में कणिका सिद्धांत बोलेंगे, और इसमें सर आइजेक न्यूटन, न्यूटन बाबा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इन्होंने जब मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी में पूरा खोज कर लिया तब इन्होंने प्रकाशिकी में भी हाथ आजमाया था, और प्रकाशिकी के लिए प्रकाशिकी के अंदर अच्छे रूप से इस कॉर्प्यूक्सलर थ्योरी को विस्तृत किया था, बताया था, इसलिए इसका श्रेय न्यूटन को दिया जाता है और न्यूटन का कणिका सिद्धांत हम इसको कहते हैं। हालांकि कुछ एक असफलताएं रह गई थी इसमें न्यूटन पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए थे। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्प्यूक्सलर थ्योरी, तो ये है, इसमें क्या बताया गया है, इसके अंदर देखिए प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में तो गमन करता है, वो हमने किरण प्रकाश की में पढ़ा था, लेकिन तरंग प्रकाश की में क्या मानेंगे, प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है, ये आपको छोटे छोटे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है। अब ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जो न्यूटन ने बताया कि प्रत्येक दीप्त प्रकाश स्रोत, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो LED है, सूक्ष्म हल्के एवं प्रत्यास्थ कण हर संभव दिशा में निकलते हैं। हर संभव दिशा का मतलब क्या है, अगर ये बल्ब है तो इससे इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, इधर भी, हर संभव दिशा में जितनी भी संभव दिशा है वहाँ से प्रकाश निकलता है, जैसे बल्ब से हर संभव दिशा में प्रकाश निकलता है, और उन सूक्ष्म हल्के कणों को क्या कहा है, कणिकाएं का, यह कणिकाएं प्रकाश की चाल से सभी दिशाओं में सरल रेखा में गति करती है, जैसा मैंने पिछले डायग्राम में बताया सरल रेखा में गति करती है, ये कणिकाएं अपने साथ ऊर्जा का वहन भी करती है, और आंख के रेटिना पर टकराने पर वस्तु के होने का आभास हमें होता है, जैसी आंख के रेटिना पर आती है तब हमें वस्तु के होने का आभास होता है। अब इससे पूछा गया कि भी अलग अलग रंग क्यों दिखाई देते हैं, तो उनको बताया कि कणिकाओं का आकार क्या होता है, अलग अलग होता है, और अलग अलग आकार के कारण ही हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, लाल रंग की कणिकाओं का आकार नीली रंग की कणिकाओं के आकार से अधिक होता है, यानी लाल रंग की कणिकाएं जो होती है वो सबसे अधिक होती है। 10th क्लास में आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा, विब क्योर यानी बैंगनी, नीला, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो लाल रंग की कणिकाओं का आकार सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और जब कणिकाएं किसी माध्यम के समीप पहुंचती है तो माध्यम की प्रकृति के अनुसार ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है। चूंकि न्यूटन ने यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पे बहुत ज़्यादा स्टडी की थी, तो यहाँ पर भी उन्होंने आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगाने की कोशिश की थी, जिससे माध्यम में इनका वेग व दिशा दोनों बदल जाती है। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं असफलताएँ, न्यूटन के कणिका सिद्धांत की असफलताएँ। तो एक असफलता तो ये थी कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में अधिक होती है, जो कि हम अपवर्तन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सघन माध्यम में कम चाल होती है जबकि विरल माध्यम में ज़्यादा चाल होती है प्रकाश की। कणिका सिद्धांत में
प्रकाश के ध्रुवण व्यतिकरण और विवर्तन को घटना को समझाने में असमर्थ रहा था। ये सब हमारे सिलेबस में सब हमें पढ़ना है और सब इम्पोर्टेंट है, सब के सब आपको एग्जाम में एक एक मार्क्स में, दो दो मार्क्स में, तीन तीन मार्क्स में सब आपको मिलेगा। इनके बाद में जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे क्रिस्टियान हाइगेन। हालांकि इन्होंने न्यूटन के टाइम ही अपना ये तरंग सिद्धांत दे दिया था, लेकिन इनके तरंग सिद्धांत को नकार दिया गया था क्योंकि न्यूटन का ही उस टाइम बोलबाला था। लेकिन फिर बाद में पता चला कि क्रिस्टियान हाइगेन जी हैं वो सही बोल रहे थे, और फिर बाद में इनके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने तरंग सिद्धांत को आगे बढ़ाया। हालांकि अभी भी ये क्लियर नहीं है कि प्रकाश जो है वो कण व्यवहार दिखाता है, तरंग व्यवहार दिखाता है, दोनों अलग अलग चीज़ें मानकर। कण के टाइम जब हम अपवर्तन परावर्तन पढ़ते तब कणीय मानते हैं, और व्यतिकरण ध्रुवण ये सब पढ़ते हैं तो तरंगीय मानते हैं। तो ये आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1। आपको डेली लेक्चर मिल जाएंगे 9 PM पे, ऑप्टिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एनिमेटेड, बढ़िया तरीके से हम इसको पढ़ेंगे ताकि इमेज हमारे अंदर इसकी छप जाए, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने भी बोला है कि रटने से नहीं अपने दिमाग में इमेज छापिए, तब हमें चीज़ें याद रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद।